राजस्थान का भौतिक विभाग, राजस्थान का फिजिकल डिवीजन, राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन है वो आज अपन समझेंगे। आज क्या करेंगे हम, राजस्थान का जो भौतिक विभाग है उसका फिजिकल जो डिवीजन है कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन राजस्थान के भौतिक विभागों को समझने से पहले अपने को राजस्थान जो अपना इंडिया है उसके भौतिक विभाग को जानना जरूरी है कि इंडिया किस पोजीशन में है वर्तमान में, इंडिया किस पोजीशन में है वर्तमान में। तो भौतिक विभाग को समझने से पहले अपने को छोटी से एक्स्ट्रा नॉलेज होना जरूरी है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कुछ टाइम पहले यानी पूर्वा काल में जो पृथ्वी थी, पूर्वा काल में जो पृथ्वी थी वो एक ही भूभाग हुआ करती थी, यानी पहले के समय में पृथ्वी एक ही भूभाग हुआ करती थी। ये सारा का सारा जो भूभाग है ना वो एक ही हुआ करता था, जो पृथ्वी है वो एक ही हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में पृथ्वी के अलग अलग हिस्से हो गए, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, भारत, प्रायद्वीपीय भारत वगैरह, ये अलग अलग हो गए ना। ये पूर्व काल में एक ही भूभाग हुआ करती थी और इसके चारों ओर क्या था, महासागर, इसके चारों ओर क्या था, जल, इसके चारों ओर क्या था, जल। इस जल को तो कहा जाता था पैंतालासा, जल को क्या कहा जाता था, पैंतालासा, जल को क्या कहा जाता था, पैंतालासा कहा जाता था। और जो स्थल खंड था इस स्थल खंड को पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पेंजिया। पेंजिया किसको कहा जाता था, स्थल खंड को। स्थल खंड लगभग 29% भूभाग पे था और जल 71% भूभाग पे था। जल कितने प्रतिशत भूभाग पे था, 71 पे, और जो स्थल खंड था वो 29% भूभाग पे था। और जो स्थल खंड था, संपूर्ण भूभाग था पृथ्वी का, उसको पूर्व काल में पेंजिया के नाम से जाना जाता था, यानी आज के लगभग करोड़ों अरबों सालों पहले किस नाम से जाना जाता था, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे 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 इनमें क्या हुई, नीचे पृथ्वी के अंदर भूगोलवेत्ता बताते हैं, विद्वान बताते हैं कि प्लेटें हैं, इन प्लेटों में हलचले हुई, हलचले होने के बाद में धीरे धीरे पृथ्वी का जो स्थल खंड है वो टूटकर कितने भागों में विभाजित हो गया, ये स्थल खंड टूटकर दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में, दो भागों में। ये क्या है, स्थल खंड, और इसके चारों चारों तरफ क्या है, जल। लेकिन ये यहां से टूट के क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में विभाजित हो गया तो ऊपर वाले भाग को तो नाम दिया गया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया, अंगारा लैंड, क्या कहा गया, अंगारा लैंड। और नीचे वाले पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड, क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड, किस नाम से जाना गया, गोंडवाना लैंड। और बीच में जो ये चारों तरफ पृथ्वी के जो जल था वो बीच में भी आ गया, तो इसको कहा गया टेटिथ सागर, टेटिस सागर, क्या कहा गया, टेटिथ सागर, ठीक है। तो इससे आगे जब पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया तो ये पेंजिया के पार्ट हो गए ना, टू, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तर में जो भाग गया उसको बोला गया अंगारा लैंड। फिर कुछ वर्षों के बाद में, बहुत समय बाद में, जब समय बीतता गया तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो टूट गया। यहां से क्या हुआ, ऊपर वाला पार्ट टूट गया, ये पार्ट अलग हो गया, फिर यहां से टूट के ये वाला पार्ट अलग हो गया, यहां से क्या हुआ, ये वाला पार्ट अलग हो गया।
और इधर से ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला जो पार्ट था ये टूट के अलग होके क्या बन गया, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका बन गया। ये वाला पार्ट टूटकर यहाँ पे अलग होके क्या बन गया, यूरोप बन गया। क्या बन गया, यूरोप बन गया। और ये वाला पार्ट टूट के क्या बन गया, एशिया। क्या बन गया, एशिया बन गया। और नीचे वाला पार्ट टूट के क्या बन गया, यहां से यहां से तो बन गया दक्षिणी अमेरिका, ये वाला पार्ट। अब धीरे इसमें आपको समझने का जो है वो ये है कि धीरे 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 क्या हुआ, ये जो पृथ्वी थी पहले तो एक ही भूभाग हुआ करती थी, फिर कुछ समय बाद में इसमें प्लेटों में हलचले हुई, गति हुई। गति होती है जो तीन प्रकार की होती है, अभिसारी गति, अपसारी गति, सरकसी गति। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं तो बीच में दरार आ जाती है और ये दरारें आई और ये भूखंड स्तरखंड एक दूसरे से अलग होते चले गए और पृथ्वी टोटल कितने भूखंडों में विभाजित हो गई, बड़े बड़े 7 भूखंडों में विभाजित हो गई। बड़े बड़े कितने भूखंडों में विभाजित हो गई, 7। कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका, यहां से तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, जो अपनी स्थिति में बना रहा वो रहा अफ्रीका, और यहां से टूट के आ गया अंटार्कटिका। और इधर क्या आ गया, यहां टूट के ये वाला पार्ट है वो आ गया यहां पे ऑस्ट्रेलिया। क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। जो स्टार्टिंग में, जो प्रारंभ में है, जो संपूर्ण पृथ्वी थी वो एक ही स्थलखंड थी। धीरे 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 पृथ्वी के अंदर हलचले हुई, हलचले होने के बाद में पृथ्वी 7 भागों में टूट गई। टूटने के बाद में जल जहां पे दरारें पड़ती वहां पे भर जाता है, तो महासागरों और महाद्वीपों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। महासागरों और महाद्वीपों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस प्रकार जब अब भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है, भारत जो एशिया महाद्वीप में है, तो भारत अंगारा लैंड का पार्ट होगा या गोंडवाना लैंड का पार्ट होगा, अपने को ये जानना जरूरी है यहां से कि भारत जो है वो अंगारा लैंड का पार्ट है या गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो जो एशिया महाद्वीप है वो देखा जाए तो अंगारा लैंड में आता है। किसमें आता है, अंगारा लैंड में। लेकिन जो भारत है वो राजनीतिक दृष्टि से, मैप की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से किसमें जाता है, एशिया में जाता है। और एशिया में जाता है तो अंगारा लैंड का पार्ट बनता है राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो जो भारत है वो अंगारा लैंड का पार्ट ना होके किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। मान लो कि ये है एशिया, ये क्या है, एशिया, और यहां पे क्या है, इस प्रकार से क्या है, भारत है। इस प्रकार से क्या है, भारत है। एशिया के नीचे क्या है, इस प्रकार से क्या है, भारत है। तो ये जो भारत है यहां पे क्या है, टेटिस सागर है। यहां पे क्या है, टेटिस सागर। जो भारत है वो, भारत का जो उत्तरी भाग है वो ओनली अंगारा लैंड का पार्ट है, यानी हिमालय। यहां पे जो प्लेटें हैं एक दूसरे को क्या कर रही है,
एक दूसरे को अभिसारी गति कर रही है, अभिसारी गति करते हुए क्या हो रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई जा रही है। इसीलिए किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। और जब हिमालय का निर्माण हुआ है तो यहाँ पे जो हिमालय का निर्माण हुआ है तो वो किसका पार्ट है, अंगारालैंड का पार्ट है, क्योंकि वो एशिया के अंदर आ जाता है प्रॉपर। लेकिन जो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो अंगारालैंड का पार्ट ना होके किसका पार्ट है, गोंडवानालैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है, गोंडवानालैंड का। किसका पार्ट है, गोंडवानालैंड का। और यहां पे क्या है, टेसिथ सागर। कौन सा सागर, टेसिथ सागर। कौन सा सागर है, टेथिस सागर। कौन सा सागर है, टेथिस सागर। और इधर भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका अवशेष है, गोंडवानालैंड का अवशेष है। तो ये प्लेटें क्या कर रही है, आज भी गति कर रही है दोस्तों, आज भी क्या कर रही है, यहाँ पे गति कर रही है। तो गति करने के कारण आज भी यहाँ पे हलचले हो रही है, हलचले होने के कारण हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ती हुई जा रही है, वो इसीलिए बढ़ती हुई जा रही है। तो इसीलिए आज कहा जाता है कि हिमालय क्या है, युवावस्था में है, और हिमालय का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो यहां से अपन को मोटा मोटा क्या समझ में आया कि पहले जो पृथ्वी थी वो एक ही भूभाग हुआ करती थी जिसको पैंजिया कहा जाता था, और जो महासागरीय भूभाग था वो भी एक ही हुआ करता था जिसको पैंतालासा कहा जाता था। लेकिन धीरे 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 पृथ्वी के अंदर प्लेटों में हलचले हुई, गति हुई, जिसके कारण विस्फोट हुआ, और विस्फोट के कारण पृथ्वी पहले दो भागों में टूट गई, अंगारालैंड, और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवानालैंड। अंगारालैंड में आते हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और गोंडवानालैंड में आते हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो अब बात आती है कि जो भारत है वो गोंडवानालैंड का अवशेष है या अंगारालैंड का अवशेष है। तो भारत जो है वो गोंडवानालैंड का अवशेष है, और भारत में भारत और किसका अवशेष है, यहाँ पे टेथिस सागर है तो उसका अवशेष है। तो इस बात को अपन ने क्यों जाना, हमने इसलिए जाना इस बात को क्योंकि जो राजस्थान है वो इंडिया के यहाँ पे पड़ता है, और जब राजस्थान यहाँ पे पड़ता है तो राजस्थान का जो भौतिक विभाग है वो भी तो गोंडवानालैंड और टेथिस सागर का ही अवशेष होगा ना। इसीलिए इतनी रामायण अपुन ने सीखी ताकि अपने को पता चल सके कि गोंडवानालैंड क्या होता है, अंगारालैंड क्या होता है। और जब ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं, एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, तो इस थ्योरी को कहा जाता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसको क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, क्योंकि जो स्थलखंड है, स्थलखंड है वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ये जो संपूर्ण चर्चा आपने की इसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। स्थलखंड का एक दूसरे से दूर जाना, इस थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जो ये महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है, ये जो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है ये किसने दिया था, ये सबसे पहले दिया था टेलर ने। किसने दिया था, टेलर ने। लेकिन इसका नवीनीकरण, नवीनीकरण किसके द्वारा किया गया, नवीनीकरण किसके द्वारा किया गया, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर किसके द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर। यानी ये थ्योरी अपन को किसने समझाई, हमको ये थ्योरी किसने समझाई, अल्फ्रेड वेगनर, यानी वेगनर महोदय के द्वारा ये थ्योरी अपन को समझाई गई कि भाई पेंजिया पहले स्थलखंड था, वो एक ही भूभाग था, फिर धीरे 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 करके ये पार्ट अलग हो गए, अलग होने के बाद में उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना, एशिया बना, एशिया में भारत बना, टेथिस सागर बना, ऑस्ट्रेलिया बना,
दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना, और जो भारत, ये जो दो पार्ट अलग हुए थे उनके उत्तरी भाग को अंगारालैंड नाम दिया, दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड नाम दिया। इस प्रकार जो भारत है वो बताया गया कि गोंडवानालैंड का अवशेष है, जो हिमालय है वो अंगारालैंड का अवशेष है, और जो भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत इसको क्यों बोल रहे हैं, ऐसा स्थल खंड जिसके तीनों ओर जल हो उस भूभाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। जो भारत है, प्रायद्वीपीय जो भारत है वो किसका अवशेष है, गोंडवानालैंड का अवशेष है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका पूरा थ्योरी समझा कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, और राजस्थान का जो निर्माण हुआ है, जो राजस्थान है वो किसका अवशेष है। तो भारत के अंदर ही राजस्थान है, तो इसलिए जो राजस्थान है वो भी गोंडवानालैंड का अवशेष हो जाएगा। तो इसका एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से एक बात निकलकर सामने आई अपने, वो क्या आई, वो ये आई कि जो भारत है वो गोंडवानालैंड और 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, गोंडवानालैंड व 33 सागर का अवशेष है। तो राजस्थान जो है वो भारत में ही पड़ता है। राजस्थान किस में पड़ता है, भारत में। ये राजस्थान है वो किस में पड़ता है, भारत में। और यहां से क्या जा रही है, अरावली पर्वत माला। यहां से क्या जा रही है, अरावली पर्वत माला। तो अब जो राजस्थान है उसके भौतिक विभाग जो है वो भी किसका अवशेष हो जाएंगे, गोंडवानालैंड और 33 सागर के अवशेष हो जाएंगे। तो ये तो है पश्चिमी मरुस्थल, ये जो भूभाग है वो क्या है, पश्चिमी मरुस्थल। यह अरावली है, ये पूर्वी मैदान है, ये दक्षिण पश्चिम का पठारी प्रदेश है। तो राजस्थान जो है, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, चार में। पहला क्वेश्चन तो यहां से यह कंप्लीट हो जाता है कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, तो चार भौतिक विभागों में बांटा गया है। कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, चार। कौन कौन से, एक तो पश्चिमी मरुस्थल, एक अरावली पर्वतमाला, एक पूर्वी मैदान, और एक दक्षिणी पश्चिमी पठारी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक विभाग कितने हो गए, चार। कितने हो गए, चार। अब आपसे पूछे कि जो पश्चिमी मरुस्थल है और अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो किसके अवशेष है। तो अवशेष उसे अपने जान लिया कि पहले पृथ्वी एक ही भूभाग हुआ करती थी जिसको पेंजिया कहा जाता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पृथ्वी दो भागों में टूट गई, एक भाग उत्तर वाला अंगारालैंड जिससे बना उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया ऊपर वाले पार्ट, लेकिन भारत तो नीचे रह जाता है। तो भारत आएगा गोंडवानालैंड वाले पार्ट में, भारत किस में आएगा, गोंडवानालैंड वाले पार्ट में। और जब गोंडवानालैंड वाले पार्ट में आएगा तो भारत के और एशिया के बीच में 33 सागर भी तो था, तो जो राजस्थान और जो भारत है वो किसके अवशेष हो जाएंगे, 33 सागर व गोंडवानालैंड के। किसके अवशेष हो जाएंगे, 33 सागर व गोंडवानालैंड
लैंड के। तो यह बात क्लियर करने के लिए मैंने इतना डायग्राम आपको समझाया। अब क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि पश्चिमी मरुस्थल किसका अवशेष है, अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, पूर्वी मैदान किसका अवशेष है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका अवशेष है, तो यानी इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये बात पूछेगा अपने एग्जाम से। पहला क्वेश्चन यहां से ये, और पहला जो बात की थी, पहली जो बात की थी हमने वो की थी कि राजस्थान के भौतिक विभाग कितने हैं, चार। भौतिक डिवीजन कितने हैं, चार। कौन कौन से, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब पूछा जाता है कि ये किसके अवशेष है, तो ये किसके अवशेष है, ये 133 सागर अवशेष की बात कर रहे हैं, अवशेष। तो 33 सागर व गोंडवाना लैंड के क्या अवशेष, तो जो पश्चिमी मरुस्थल है वो किसका अवशेष है, वो है 33 सागर का। किसका अवशेष है, 33 सागर। किसका अवशेष है, 33 सागर। जो अरावली है वो किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और ये जो पठारी भाग है, दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है, पठारी प्रदेश है, वो भी किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड। और जो पूर्वी मैदान है वो किसका अवशेष है, 33 सागर का। इतनी बात क्लियर हो गई, तो अपने को पता चल गया कि भाई पश्चिमी मरुस्थल है वो किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, 33 सागर का। पर्वत है जो वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है, किसके अवशेष है, गोंडवाना लैंड के। अरावली भी एक पर्वतमाला है तो वो भी गोंडवाना लैंड के अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो भी एक प्रदेश है, पर्वत है, पठार है, तो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। पश्चिमी जो मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो पश्चिमी मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है, पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, 33 सागर हुआ करता था। और तो इसी वजह से पश्चिमी मरुस्थल को 33 सागर का अवशेष बताया जाता है, और अरावली पर्वतमाला है उसको गोंडवाना लैंड का अवशेष बताया जाता है, क्योंकि अपन ने चर्चा की थी कि एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड वाला जो स्थल खंड